हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01AAFKN। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एरर है, फर्स्ट देखते हैं। इन द टास्क ऑफ सबलाइमेटिंग पास्ट ट्रॉमाज द कैलिवर ऑफ पॉलिटिक्स इन द हैंड्स ऑफ डिसऑनेस्ट ला मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल लीडरशिप हैव नॉट हेल्प्ड। अब देखो, इन द टास्क ऑफ सबलाइमेटिंग पास्ट ट्रॉमाज, यहाँ पे इसकी ये किसकी तरह है पता है? जैसे इन द लास्ट ईयर, कोई टाइम स्पैन की तरह है। तो अब तक है ये, अब तक हो ही रहा है, ये क्या हो रहा है, सब्लाइमेट कर रहे हैं। सब्लाइमेट मतलब किसी चीज़ को अच्छा करना, मॉडिफाई करना। तो जो पास्ट के जो ट्रोमाज है ना, हमारे डीप इंजरीज ट्रोमा, देखो ट्रोमा सेंटर भी होता है। ट्रॉमा सेंटर कहाँ पे देखा आपने? हॉस्पिटल्स होते हैं जो भी बड़े बड़े, तो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होता है। मतलब वहाँ पे बहुत ही जो बड़ी चोटें लगी होती हैं ना किसी के, बिल्कुल जो फैटल हो, तो वहाँ पे उनका इलाज होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉमा सेंटर। तो इसका मतलब है बहुत ही डीप इंजरी, कोई मानसिक हो या कोई भी शारीरिक हो। तो यहाँ पे जो पास्ट ट्रॉमाज हैं उनको सब्लाइमेट मतलब मॉडिफाई करने के टास्क में, जो पॉलिटिक्स का कैलिबर है ना, कैलिबर क्या होती है, क्वालिटी, क्वालिटी होती है कैलिबर। देखो कैलिबर आपने एक और सुना होगा, जो बंदूकें हैं पूछते हैं ये कितने कैलिबर की है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, तो वही डिफाइन करती है। इन द हैंड्स ऑफ डिसऑनेस्ट ला मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, तो जो ये किसके हाथ में है, जो क्वालिटी पॉलिटिक्स की, डिसऑनेस्ट अनफेथफुल मतलब इसका, और ला मैनिपुलेटिंग मतलब जो ला को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसको बदलते रहते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो नेता है हमारे, हैव नॉट हेल्प्ड। तो जो कैलिबर है ना इनके हाथों में, उसने कोई मदद नहीं की है, मतलब उससे कोई कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है ये करने में। तो यहाँ पे क्या लग रहा आपको, द कैलिबर ऑफ पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ नॉट हेल्प्ड, ना कि हैव नॉट हेल्प्ड, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। वैसे भी एबिलिटी, एबिलिटी क्या आएगा यहाँ पे, उसके हिसाब से कैलिबर हैज आएगा ना, तो थर्ड पार्ट में एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे सब्लाइमेटिंग, सब्लाइमेट से बनाया, और सब्लाइमेट किससे बनाया, सब्लाइम से, सब्लाइम एडजेक्टिव है, सब्लाइमेट वर्ब है, और ये भी वर्ब ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेजन डिसरिगार्ड ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ब्रेजन क्या होता है, जो टेररिस्ट होते हैं ना वो ब्रेजन होते हैं, जैसे IS वगैरह वाले हैं, तो ब्रेजन का मतलब बहुत ही सेमलेस, तो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, इंसानियत शर्मनाक हो जाती है जो टेररिस्ट है। तो जो बिल्कुल सेमलेस डिसरिगार्ड है ना, डिसरिगार्ड होता अपमान किसका, रूल ऑफ लॉ का, मतलब लॉ के रूल का कोई भी, मतलब उसको ना मानना, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल बुरे तरीके से लॉ को ना मानना। एट द वेरी टॉप, बिल्कुल ऊपर, एक तो होता टॉप, एक होता द वेरी टॉप, मतलब सबसे ऊपर, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे हरियाणा की, जैसे तो वो हमसे ऊपर ही है, हम सब से, पूरे हरियाणा के लोगों से, बट इससे भी ऊपर क्या है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, तो वो पूरे देश में है उसका राज, तो इसलिए वो द वेरी टॉप बोल रहा है उसको। अनएक्सपेक्टेडली, तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हैज ओनली एम्बिटर्ड, क्या कर रही है वो, एम्बिटर कर रही है। देखो बीटर एडजेक्टिव है, एम्बिटर नाउन है, तो उसी से एम्बिटर वर्ब है, तो हैज के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एम्बिटर। उसने क्या किया है, एम्बिटर किया है सिर्फ लोगों को। देखो बिटर तो हो गया कड़वा, तो एम्बिटर क्या होगा, एम्बिटर होता है एंग्री करना किसी को, फ्रस्ट्रेटेड कर देना। तो वैसे भी कड़वा हम खा लेते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि क्या खा लिया, तो उसी तरह का मीनिंग है ये भी। रादर देन मतलब उसने सिर्फ एम्बिटर किया है लोगों को, किसके बजाय, रिस्टोर करने की बजाय उनका फेथ ऑन द सिस्टम पे। तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रेपोजिशन का एरर है, फेथ इन द सिस्टम आएगा, ठीक है, फेथ ऑन द सिस्टम नहीं आएगा, है रिस्टोर देयर फेथ इन द सिस्टम, सिस्टम में विश्वास, ये जैसे हम कह देते हैं ना कि तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या, तो उस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता, एज इट इज़ मुझ में की तरह काम करता है यहाँ पे,
तो इन द सिस्टम आएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, फिलर्स हैं। इफ़ दीज क्राइम्स आर टू बी स्टॉप्ड सोशल मीडिया विल नॉट सफाइस। देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशियंट, सफिशियंट होता है ना, उसी से बना सफाई, मतलब अगर ये करना है ना क्राइम्स को स्टॉप करना है तो जो सोशल मीडिया पे कुछ है वो पर्याप्त नहीं है भाई, उससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेस्टिमनी इन, टेस्टिमनी ऑन, रिवलेशंस इन, रिवलेशंस ऑन, ठीक है। तो रिवलेशन क्या होता है, किसी चीज़ को रिवील करना की प्रोसेस, ठीक है, रिवील करना मतलब उजागर करना। और टेस्टिमनी, टेस्टिमनी होती है गवाही, तो देखो गवाही होती है वो तो कोर्ट वगैरह में दी जाती है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या आएगा, रेवलेशन आएगा एक, तो यहाँ पे इन आना चाहिए या ऑन आना चाहिए, यहाँ पे आएगा इन सोशल मीडिया, ऑन की उसके ऊपर, ऑन तो मतलब किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे इसके ऊपर कुछ रिविलेशन हुई हैं, रिविलेशन ऑन दिस इश्यू, उसके लिए आएगा ऑन। तो यहाँ पे इन सोशल मीडिया में जाकर लोग क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ, जो मीठू मोमेंट आजकल वो चल रही है मोमेंट, तो उसके ऊपर था ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेवलेशंस इन सोशल मीडिया आएगी, तो सेकंड आंसर इसका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है द मीठू कंपेन, मीठू कंपेन इन इंडिया इज एन डैश मोमेंट वेयर वुमेन आर रेजिंग देयर वॉइसिस अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट दे फेस्ड। अब जो मीठू कंपेन है इंडिया में वो एक कैसी मोमेंट है, एक ऐसी मोमेंट है जहाँ पे वुमेन है ना वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विपरीत, उन जो उनके साथ उन्होंने फेस किया ना सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो ये कैसा मूव है, सीधी सी बात है ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही अलग मूव है, मतलब इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। तो यहाँ पे कवर्ड और ट्रैपिड तो नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैपिड क्या होता है, टिमिड, कायर की तरह ही होता है, डरपोक, कावर्ड भी डरपोक, तो ये तो आएगा नहीं। तो इंट्रेपिड और ब्रेव, तो ब्रेव होता है जो, वो किसके लिए यूज होता है, कोई पर्सन के लिए कि वो ब्रेव है बहुत ही। तो इंट्रेपिड भी फियरलेस होता है वैसे, और ब्रेव भी क्रेजियस, तो इंट्रेपिड मतलब थोड़ा बस एडवेंचरस की सेंस में, और ब्रेव बहुत ही ज़्यादा हीरोइक की सेंस में होता है। तो यहाँ पे इंट्रेपिड मूवमेंट हो सकती है, ब्रेव मूवमेंट नहीं होती, ब्रेव तो कोई पर्सन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है कि ये बहुत ही फियरलेस मूवमेंट है, इसमें इसके लिए बहुत ही वो चाहिए, थोड़ा सा फियरलेस बंदा ही कर सकता है इसे। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताने हैं, पेरिल, पेरिल जैसा ही वर्ड है, पेरिलस, इसी से बना है पेरिल से ही। तो पेरिलस होता है फुल ऑफ डेंजर, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, तो पेरिल हो गया डेंजर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, रफनेस तो होती है खुरदरापन सा थोड़ा सा, या फिर व्यवहार में, बिहेवियर में रफनेस होती है, जो सही ना हो बिहेवियर, थोड़ा सा रूखा सूखा सा, एंगर गुस्सा और इनसिक्योरिटी, मतलब थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना, सेफ ना फील करना। आगे है पोडियम, देखो पोडियम वगैरह पे क्या होता है, भाषण वगैरह देते हैं कोई भी नेता वगैरह, तो उसके लिए क्या होगा सिनोनिम, अरीना, अरीना तो वैसे देखो सीधा बोलने तो अखाड़ा होता है एक किस्म से, किसी भी चीज़ का होता है, पूरा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे खेल वगैरह होते हों, तो उस तरीके से यूज़ होता है ये। तो स्टैंड, स्टैंड वैसे तो वर्ब तो होगी खड़ा होना, एक स्टैंड का मतलब होता है पोजिशन, कि जैसे पूछें कि आपका क्या स्टैंड है इस बात पे, ठीक है, तो मतलब आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या पोजीशन है। ट्राइपॉड तो तीन पैरों वाला स्टैंड होता है। तो पोडियम वैसे वो सरफेस होता है ऊंचा सा थोड़ा सा, और लोग थोड़े नीचे और वो थोड़ा सा ऊंचा, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, डाइस, डाइस का मतलब ये होता है प्लेटफॉर्म या पोडियम। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अपोजिट बताना है, प्रोबेबल, देखो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी मैथ्स में, तो यहाँ पे उसी का एंटोनिम बताना है। प्रोबेबल का मतलब जो लाइकली हो, भाई हो सकता है, तो इसका अपोजिट होगा अनलाइकली, जो होने के बहुत ही कम चांसेस हों। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट तो हम, हमारी वो होगी, किसी बंदा इंक्लूड होएगा। अब प्रोबेबिलिटी तो क्या, एक्सपेक्टेशन सबकी अलग अलग हो सकती है वैसे देखो तो, ठीक है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी भी बात के लिए, जैसे रेन को ही लगा लो तो, लेकिन प्रोबेबल तो वो होगा ना जो सबके लिए सेम होगा कि भाई ये हो सकता है के लिए।
इमिनेंट होता है, थोड़ा सा आने वाला हो, जो बस होने वाला है, पास ही है कोई चीज़, ठीक है, और प्लॉजिबल घटित होने लायक, मतलब ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, मतलब बहुत ही कि ये भी पॉसिबल की तरह ही है, बट इसका अपोजिट बताना तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलाइकली। नेक्स्ट है कैकोफोनी। देखो फोनी से मतलब साउंड, अब सब जगह कर्कश साउंड है तो मतलब क्या है इसका, सब में बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है उस तरीके से, मतलब याद करने के लिए है बट इसका सिनोनिम थोड़ा सा अलग है, तो इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एग्रीमेंट, ठीक है, सब में तालमेल, तो उस तरीके से क्या होगा इसका एंटोनिम, हार्मनी। हार्मनी का भी मतलब ही होता है सब में लय होना, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। डिस्कॉर्ड तो हो गया डिसएग्रीमेंट, और सिस्टमेटिक मतलब सही तरीके से, ठीक है, तो और रैकेट, रैकेट क्या होता है, ड्रग रैकेट सुना होगा आपने, तो मतलब कोई भी बड़ा इलीगल कोई काम नीचे ही नीचे जो चलता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था आंसर। नेक्स्ट है इडियम्स बताने हैं, इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब काले और धोले में, तो क्या होता है सफ़ेद पेज पे हम काली स्याही से लिखते हैं उसको बोलते हैं रिटन, इन रिटन, सिंपल कलरफुल और ऑल ओरली अंडरस्टूड, ये तो अलग है। इन कोल्ड ब्लड, देखो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जैसे आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, तो आपका उस टाइम पे क्या है, जो खून गर्म है, तो अगर उस टाइम पे आप उसको कुछ भी हानि पहुंचाओगे तो वो कोल्ड ब्लड में नहीं होती, ठीक है, उस टाइम तो आपको गुस्सा था, बट आप क्या करो, आप घर पे आ जाओ, ठंडा हो गया आपका गुस्सा, बट लेकिन फिर भी मन ही मन में ये सोचो कि उसका कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, वो होता है इन कोल्ड ब्लड, मतलब ठंडा खून हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया, बट फिर भी मन ही मन हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे हानि पहुँचाया जाए, तो उसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन यूज करके, या क्रूअल वे में, ये क्रूअल है ना कि बहुत ही ज़्यादा आप किसी को हानि पहुंचाने की सोच रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्रूली, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। इलीगली तो लीगल से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल पी के, ड्यू टू एनमिटी, मतलब दुश्मनी से, ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ड्यू टू एनमिटी मतलब एनमिटी के कारण, तो ज़रूरी नहीं है कि एनमिटी के कारण मतलब कुछ नुकसान ही पहुंचाया जाए, ना भी बोले बंदा, वो भी चीज़ है अलग, बट क्रियोली का मतलब कुछ उसको आघात पहुंचाने से ही है। नेक्स्ट है इंडियाज़ एनर्जी डिप्लोमेसी इज नी जर्क एंड लैकिंग इन पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी पैच वर्क्स, ठीक है, तो इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है ना, मतलब कूटनीतिकता है, जो स्कीम है, पॉलिसी है, वो नीजर्क है। नीजर्क क्या होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, नीजर्क एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी, मतलब कुछ सोचते नहीं हम अपने उनके बारे में, बट वो हो जाते हैं, जैसे कोई भी मच्छर काटे, हम सो भी रहे हो तो वहाँ पे हमारा हाथ जाएगा और उसे हटाएंगे, तो उसी तरह से है, तो नीजर्क डिप्लोमेसी का मतलब बस अपने आप ही चल रहा सब कुछ, हम कुछ नहीं सोच रहे उसके बारे में। एंड देखो अब नेगेटिव सेंस बन रही है यहाँ तक, ये तो पता चल गया ना, तो एंड लैकिंग इन पैच पॉलिसी पैच वर्क्स, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो वो लैकिंग इनका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, लैकिंग इन दिस मतलब वो इस चीज़ में ये चीज़ कम है, तो यहाँ पे पैच वर्क्स का मीनिंग समझते हैं हम पहले, पैच वर्क्स क्या है, देखो पैच वर्क्स क्या है, हम जैसे कोई भी लीकेज हो रही है तो वहाँ पे काम चलाऊ कोई भी जुगाड़ करके हम उसको लीकेज को बंद कर दें, तो वो क्या है पैच वर्क, बट सही तरीके से उसको बाज़ार से सामान लगा के या कोई भी जो उसका एक्सपर्ट है उस चीज़ में उसको बुला के अगर उसको ठीक करवाएंगे तो वो होगा सही तरीका, वो चलेगी ज़्यादा दिन, बट पैच वर्क मतलब कोई भी जुगाड़, तो जुगाड़ों में जुगाड़ों की उसमें कमी है, अब ये तो पॉजिटिव हो गया कि जुगाड़ नहीं है उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या आ रही थी सेंस, नेगेटिव आ रही थी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, जुगाड़ उसमें है, उनसे भरी हुई है, तो उसके लिए आएगा रिप्लीट विद, रिप्लीट इन नहीं होता, तो लैकिंग के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी, तो ये तो इन दोनों की तो सेंस ही अलग बन रही है, अपोजिट बन रही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा कि वो रिप्लीट विद है या अबाउंडिंग है,
पॉलिसी पैचवर्क से, मतलब बस हम कहीं पे गड़बड़ी हो जाए तो बस थोड़ा सा काम चलाऊ कोई भी एक्शन ले लेते हैं, परमानेंट कोई भी अच्छा एक्शन नहीं लेते हैं। तो उसी तरीके का वर्ड है पॉलिसी पैचवर्क्स, सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग द ONGC टू एक्वायर रिटेलर HPCL, तो द गवर्नमेंट, देखो द गवर्नमेंट है इसका सब्जेक्ट, अब इसके लिए कह रहा है कि उसने ONGC को फोर्स नहीं किया HPCL को एक्वायर करने के लिए। अब ये दोनों कोई बॉडीज हैं, गवर्नमेंट की बॉडी है, अब ये कोई कंपनी है तो उसको एक्वायर करने के लिए फोर्स नहीं किया, तो द गवर्नमेंट शुड हैव मेड, हाँ देखो शुड से पता चल रहा है कि इसके करने की बजाय गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था, तो ये तो मतलब किया है और ये करना चाहिए था, मतलब पास्ट की बात है। शुड हैव मेड, एक तो हो गया शुड मेक, एक शुड हैव मेड, इनमें क्या फ़र्क है? अब शुड मेक में तो मतलब अभी भी चांस है, आप कर सकते हो, अब शुड हैव मेड का मतलब चांस जा चुका है, आपने ये कर दिया, अब तो बस बता रहा है कि ये करना चाहिए था। शुड हैव मेड द ऑयल बेहमोथ, देखो यहाँ पे बेहमोथ किसके लिए यूज हो रहा है, बेहमोथ होता है बहुत ही बड़ा कोई विशाल काय के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए कर रहे हैं यूज़, कि जो कंपनी थी वो उसको, जो HPCL उसको यूज करना चाहिए था किसके लिए, और भी ज़्यादा ऑयल और गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके क्या आएंगे यहाँ पे देखते हैं, शुड हैव ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, नज्ड या नो इम्प्रूवमेंट। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, किसी को देखो ऑर्डर तो कंपनी को जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है, सजेस्ट देखो गवर्नमेंट ऑर्डर तो कर सकती है बट देखो सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, तो गवर्नमेंट सुझाव नहीं देगी। नज्ड, नज्ड का मतलब होता है थोड़ा पुश करना, ठीक है जैसे हम कोनी मारते हैं उसको बोलते हैं नजिंग, तो कोनी मार के थोड़ा सा पुश हो जाता है तो उसके लिए बोलते हैं नज्ड। और आगे है नो इम्प्रूवमेंट मतलब मेड, अब मेड क्यों नहीं आएगा पहले तो ये देख लें, मेड मेक या मेड समवन डू दिस डायरेक्ट आती है वर्ब, तो वहाँ पे टू प्रोड्यूस नहीं होता, आगे अकेला प्रोड्यूस हो सकता था क्योंकि लेट मेक बिड हेल्प, इन चारों के बाद बेर इन्फिनिटिव यूज होता है, ठीक है तो टू प्रोड्यूस के कारण यहाँ पे मेड नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पे दोनों कंपनीज हैं, एक तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये तो, और ये क्या है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कुछ ऐसा करके, ठीक है तो इन दोनों में क्या चीज़ है जो ONGC को फोर्स किया है HPCL को एक्वायर करने के लिए, ठीक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को एक्वायर करने के लिए, तो इसके सिवाय क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को, शुड हैव नज्ड या ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या आएगा नज्ड, क्योंकि ऑर्डर करने से यहाँ पे काम नहीं चल सकता कि भाई ऑर्डर कर दें बस डायरेक्ट ऑर्डर ये करो, तो ऐसे काम चलता तो वो सही काम कर रही होती, ठीक है ऑर्डर करने से काम चलता, तो उसको ये फोर्स करने की कि ONGC एक्वायर कर ले तो ऐसी जरूरत ही ना पड़ती कि ऑर्डर से काम चल जाए, तो सब कुछ तो सरकार फिर तो ऑर्डर दे दे और सब कुछ अपने आप ही हो जाए, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा नज्ड, कि उसको पुश करना चाहिए था, ठीक है थोड़ा सा कोएक्स भी यूज़ होता है यहाँ पे इसका सिनोनिम, मतलब उसको थोड़ा सा एनहेंस करो कि भाई हाँ ये थोड़ा सा उसको मोटिवेट करके, तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे नज्ड, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इन विच वी लिव रादर देन विद स्पिरिचुअल थिंग्स, अब देखो मतलब हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड है कोई चीज़ तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है बजाय किसके जो स्पिरिचुअल है उन चीज़ों से, तो उसके लिए होता है इमेजिनेशन, तो देखो हमारी कल्पना वर्ल्डली मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं उनके लिए, हाँ यही है इसका आंसर फर्स्ट ही, तो ट्रांसमाइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसका सोल का आत्मा का, ये ऐसा ही वर्ड है री इनकारनेशन मतलब दोबारा पुनर्जन्म, ठीक है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल क्या है, एम्पेरिकल होता है फैक्चुअल, किसके बजाय थ्योरी के बजाय, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो, एक्सपीरियंस से डिराइव्ड हो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल, तो इसका अपोजिट है इमेजिनेशन का, मतलब थोड़ा सा ये एम्पेरिकल, बट वर्ल्ड से रिलेटेड
जो है वर्ड यहाँ पे वर्डली, यही है फर्स्ट ऑप्शन आंसर इसका। आगे है एन इनऑर्डिन इनऑर्डिनेट अटैचमेंट ऑफ फोन थिंग्स, मतलब विदेशी चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट, इनऑर्डिनेट मतलब हद से ज़्यादा, अनड्यू अटैचमेंट को क्या बोलेंगे। यहाँ पे इसके दो आंसर हैं, जीनोफाइल और जीनोमेंटा, दोनों इसी के मीनिंग हैं। ठीक है, जीनोफोबिया होता है विदेशी चीज़ों से डर, और जीनो क्राइस्ट एक ये क्रिस्टल में होता है, फॉरेन क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल के अंदर कोई ऐसी क्रिस्टल हो मतलब जो कि उससे ना बनी हो, कोई बाहर से आई हो, तो उसको बोलते हैं जीनो क्राइस्ट, कोई ऐड कर दें या वगैरह आ जाए अपने आप। नेक्स्ट स्पेलिंग बतानी है, एकेडमिक तो आसान थी, फोर्थ ऑप्शन है आंसर एकेडमिक। ठीक है, और डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन में क्या आना चाहिए, डबल एम नहीं आएगा बीच में, एक तो ये ध्यान रखें, और स्टार्टिंग में आई आएगा तो एक ही है, DIEMINSTION, सेकेंड ऑप्शन आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है पैराजम्बल करते हैं, वाइल बिल्डिंग इट्स इंटरनल एंड, देखो इंटरनल एंड द इंडियन स्ट्रेटजी, ठीक है, इंटरनल एंड इंडियन स्ट्रेटजी का पेयर नहीं बन रहा, प्रेजेंटली अपीयर्स टू बी, और आगे मतलब इसके साथ क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए कि भाई दोनों सिमिलर से हों, तो इंटरनेशनल पावर, इंटरनल एंड इंटरनेशनल, हाँ ये सही कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आंतरिक और सारे विश्व की पावर, किसके किसके लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट देखते हैं पहले, इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि इट्स क्या है, इट्स यहाँ पे प्रोनाउन है, तो इसके लिए सब्जेक्ट आना चाहिए पहले, इससे सब्जेक्ट की बात ही नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे सी में, आर में है, सॉरी क्यू में है, द इंडियन स्ट्रेटजी, क्योंकि जो इंडिया की स्ट्रेटजी है उसके लिए ही यूज़ हुआ है ये जो इट्स है, तो इंडियन स्ट्रेटजी लग रही है कि अभी अभी प्रेजेंटली मतलब अभी अभी ऐसी अपीयर हो रही है कि वो चाइना को मॉनिटर करने के लिए है, चाइना की चाइनीज एक्सपेंशन को, मतलब मॉनिटर करना मतलब कंट्रोल करना, एंड पॉसिबल इंटेंशंस, और उसकी जो पॉसिबल इंटेंशंस है मतलब उसके जो भी आगे एम्स हैं, वाइल बिल्डिंग इट्स इंटरनल, और साथ में क्या करें उसकी जो आंतरिक और इंटरनेशनल मतलब सारी वैश्विक पावर है ना चाइना को काउंटर करने के लिए, वो भी बिल्ड करें, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, क्यू एस एक ही में है स्टार्टिंग में, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेप्ट फॉर, देखो ये तो आएगा नहीं इसके बाद, तो देखो इंडिया कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट, इससे पता लग रहा है कि इंडिया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आ सकता है स्टार्टिंग में, अब फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाँ अनसर्टेनिटी किस चीज़ की, तो ये क्यू में आ रहा है, तो आर के बाद क्या आएगा, क्यू, ए लार्ज कंट्री विद ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन, तो देखो ये किसके लिए है, ये इंडिया को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, इंडिया आएगा, क्योंकि जो बड़ा वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है, और उसकी जगह पे छोटा वर्ड ये इंडिया है, तो एस के बाद पी आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया के लिए है, तो एस पी देखते हैं फर्स्ट में ही है, और फिर आर क्यू, दिस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। कह रहा है कि जो इतनी बड़ी कंट्री है ना पॉपुलेशन वाली इंडिया, वो और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती इतनी अनसर्टेनिटी। ठीक है, किसके लिए, वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वी हैव साइकिल मोर देन 10 किलोमीटर्स, हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल कर चुके हैं, तो इसका पैसिव बनाना है, तो मोर देन 10 किलोमीटर्स, ये क्या है, इस पूरी वर्ब की ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, तो ये आएगा स्टार्टिंग में मोर देन 10 किलोमीटर्स। आगे देखो यहाँ पे एक ग्रामेटिकल रूल हो रहा है यूज, मोर देन वन नाउन, अब देखो इसमें तो वैसे 10 है, वैसे ही प्लूरल है, तो इसके साथ तो हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा,
और यहाँ पे पास्ट में नहीं है तो हैड नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वी हैव बीन साइकिलिंग, ये तो कैंसिल हो गया, हैव बीन साइकिल्ड बाई अस, और यहाँ पे हैड भी नहीं आएगा, मोर देन 10 किलोमीटर्स हैव बीन साइकिल, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो वैसे ही क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट आंसर आएगा कि मोर देन 10 किलोमीटर्स हैव बीन साइकिल्ड बाई अस। बट क्या है, जब भी मोर देन वन, जैसे मोर देन वन पर्सन, तो इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब, जहाँ पे भी नाउन लगी हुई है ना उसके हिसाब से वर्ब आएगी। बट मोर चिल्ड्रन देन वन, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आएगी वो तो प्लूरल हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे नाउन को देखें कहाँ पे है, उसके हिसाब से जो वर्ब है वो आएगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो द नर्स सेड टू द पेशेंट स्टे इन बेड, तो यहाँ पे देखो नर्स है जो क्या कर सकती है, पेशेंट को सलाह दे सकती है, एडवाइस कर सकती है कि बेड में रहो, तो ऑर्डर तो चलता नहीं नर्स का कि उसके ऊपर ऑर्डर कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। हैड आस्क्ड तो परफेक्ट टेंस हो गया, तो पास्ट को परफेक्ट में नहीं बदलेंगे। वाज आस्क्ड पैसिव बना दिए, तो एडवाइज्ड आएगा, सिंपली टोल्ड नहीं यूज होता, उसने एडवाइस किया कि पेशेंट टू स्टे इन बेड, थर्ड ऑप्शन आंसर इसका। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट करते हैं। नाउ देयर मे फाइनली बी ए डैश ब्रांच, अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे कुछ फाइनली हो सकता है, तो कुछ अब वो बता रहा है कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ आएगी, क्योंकि देखो फाइनली देर में फाइनली बी ए डैश, तो कुछ अच्छी चीज़ आएगी, पॉजिटिव बात हो रही है। ब्रांसन क्लेम्स दैट द रॉकेट डैश क्राफ्ट नोन एज VSS यूनिटी, अब कुछ रॉकेट मतलब साइंस की बात हो रही है, क्राफ्ट है कोई, जैसे एयरक्राफ्ट होता है हवाई जहाज, तो वैसे ही कुछ रॉकेट का क्राफ्ट है, देखते हैं। VSS यूनिटी उसका नाम है, इज वीक्स नॉट मंथ्स अवे फ्रॉम रीचिंग द ऑल इम्पोर्टेंट एल्टीट्यूड ऑफ इतने किलोमीटर, कह रहा कि जो है ना वो थोड़े ही हफ्ते ही रह गए, ना कि महीने, मतलब थोड़ा टाइम कम लेगा वो, किसके लिए अवे है वो, बस इतने हफ्ते ही दूर है वो किससे, ऑल इम्पोर्टेंट एल्टीट्यूड ऑफ इसको पहुंचने से, रीच करना मतलब पहुंचना, ऑल इम्पोर्टेंट का मतलब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अबो अर्थ, देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, तो अर्थ से इतने किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचने से वो थोड़ी ही वीक्स दूर है, मतलब बस हफ्तों में ही पहुंच जाएगा वो। विच मीन्स, अब ये सारी बात है ना वो क्या मतलब है उसका, कि जो पहला फर्स्ट पेइंग पैसेंजर्स है ना, जो शुड बी एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे क्या, वेटलेसनेस, उनमें मतलब वेट को लेस फील कर रहे हैं। एंड डैश द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ का कर्वेचर है ना, कर्वेचर होता देखो कर्व से बनाए, मतलब उसका जो घुमाव है गोल गोल है जो, तो नॉट टू लॉन्ग आफ्टर, मतलब बहुत जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो एक्सपीरियंसिंग शुड बी एक्सपीरियंसिंग एंड, तो यहाँ पे भी वह भी आएगी, और शुड बी के बाद आईएनजी है, तो यहाँ पे भी आईएनजी ही आएगी, तो शुड बी क्या सकता है, देखते हैं। एज एंड व्हेन दैट हैपेंस, जैसे ही और जब भी ये होगा, द डैश विल बी फ्रेम्ड, मतलब जो ये चीज़ है वो फ्रेम कर दी जाएगी, फ्रेम करना वैसे जड़ना होता है, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए विन, मतलब एक ये जीत की तरह समझी जाएगी ये बात, ठीक है, फॉर हिम, उसके लिए हिम यहाँ पे किसकी बात करिए, ब्रांसन के लिए, ओवर द टू ईयर्स, ओवर द टू अदर टाइकून्स, टाइकून्स देखो बिजनेसमैन होते हैं बहुत ही बड़े, तो दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर उसकी वो जीत होगी, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहे हैं, हु आर स्पेंडिंग, मतलब वो भी स्पेंड कर रहे हैं, एंड डैश अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, तो मतलब प्राइवेट की स्पेस में फ्लाइट के ऊपर वो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आना चाहिए। नाउ देयर मे फाइनली बी ए, देखो कुछ एक बंदे ने दो बंदों से पहले कुछ अच्छा किया है, ठीक है, और स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, ठीक है, उसमें उसने कुछ किया है, तो वो क्या है देखते हैं। देयर मे फाइनली बी ए विक्ट्री, ब्रेक थ्रो, या सोल्यूशन या मेथड, अब देखो सोल्यूशन तो कोई प्रॉब्लम के लिए होगी, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्पेस में जाना क्या है, यहाँ पे लोगों का शौक है,
ना कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम को तो ज़रूरी होता सॉल्यूशन करना, उसके लिए तो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। अब विक्ट्री मतलब जीत, अब ये तो किसी को हराया है क्या यहाँ पे, तो उस तरह की जीत होती है विक्ट्री कि किसी और को हरा के वो जीत रहा है। तो यहाँ पे माना कि उससे पहले किया है, दो लोगों से पहले उसने एक चीज़ बना ली है, बट यहाँ पे विक्ट्री नहीं कहेंगे। क्या यहाँ पे ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू आंसर है इसका कि उसने एक इनोवेशन की है, इनोवेशन को बुलाया है। मेथड, मेथड मतलब करने का तरीका, तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ के लिए होगा कि किस तरह से कोई चीज़ की जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रेक थ्रू की, उसने इनोवेशन की है, एक डेवलपमेंट की है। तो नेक्स्ट है क्लेम्स दैट रॉकेट डेस्क्राफ्ट, तो रॉकेट ड्राइवन मतलब, तो रॉकेट ड्राइवन का मतलब तो ये हो गया कि रॉकेट उसे ड्राइव कर रही है, तो ये तो आएगा नहीं। इंस्टॉल्ड पावर्ड फ्यूल्ड, ठीक है। देखो रॉकेट इंस्टॉल्ड, अब रॉकेट इंस्टॉल्ड का मतलब रॉकेट उसके अंदर इंस्टॉल की है, ठीक है, उसके अंदर लगाई गई है। रॉकेट फ्यूल्ड का मतलब रॉकेट फ्यूल है उसके लिए। रॉकेट पावर्ड का मतलब रॉकेट पावर दे रही है, तो जो ये चीज़ है ना पावर्ड, वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि उसका जो यूज़ है ना रॉकेट का, सिर्फ वो पावर देने के लिए होता है, बस उसको धकाए रखती है, आगे आगे ले जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा पावर्ड, क्योंकि ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसको। फ्यूल्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इंस्टॉल्ड थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये क्या है पावर्ड आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पावर दे रही है उसको। तो रॉकेट पावर्ड क्राफ्ट है, जो कि VSS यूनिटी नाम है उसका, तो वो बहुत ही जल्द इतने एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा। और जो जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट द फर्स्ट पेइंग पैसेंजर्स, जो पहले पेइंग पैसेंजर है ना वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वेटलेसनेस को, ठीक है। देखो शुड बी एक्सपीरियंसिंग का मतलब पहुंचने के बाद की बात है ये। एंड डैश द कर्वेचर, तो एंड मार्वेलिंग एट, मार्चिंग एट, फ्लाइंग इन, मार्वेलिंग अलोंग, देखो मार्वेलिंग अलोंग नहीं आएगा। मार्वेलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही एस्टोनिश्ड होना, बिल्कुल स्टेयर करके देखना किसी चीज़ पे। देखो स्टेयर कब कम करते हैं हम, घूरते कब हैं किसी चीज़ को, जब हम सरप्राइज हो जाएं कि बहुत ही अद्भुत कोई चीज़ देख लें, तो यहाँ पे वैसी ही बात है, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर वो देखेंगे इतनी दूर से, तो क्या होगा उनके लिए अद्भुत नज़ारा होगा। तो वहाँ पे ना तो वो फ्लाई कर रहे हैं वो पैसेंजर, ना वो मार्च कर रहे हैं, मार्च जैसे आर्मी करती है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मार्वल एट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टेयर कर रहे हैं, स्टेयर एट होता है ना जैसे, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ के ऊपर मार्वलिंग एट कर रहे होंगे। नॉट टू लॉन्ग आफ्टर, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। और जैसे ही ये होगा द डैश विल बी फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ, जो ये विक्ट्री है या विन, ब्रेक थ्रो या फीट, क्या आना चाहिए यहाँ पे। फिर विक्ट्री तो इसीलिए नहीं आएगा, जैसे पहले नहीं आया था, किसी के ऊपर ये जीत हासिल नहीं है कि उसको हरा दिया उन्होंने, तो यहाँ पे क्या आएगा फीट, क्योंकि देखो ब्रेक थ्रो पहले आ चुका वैसे तो, बट यहाँ पे ब्रेक थ्रो और फीट में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रदर्स थे, जो वाइट ब्रदर्स थे कुछ, तो उन्होंने कोई हेलीकॉप्टर बनाया था, मतलब उड़ने की कोई चीज़ बनाई थी स्टार्टिंग में, तो वो क्या था एक ब्रेक थ्रो था। बट जैसे जैसे मान लो उनकी कैपेसिटी बढ़ती गई कि ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ा सकते थे, उस टाइम पे ये थोड़े ना था कि भाई 10 किलोमीटर की हाइट तक उड़ा लेते हैं वो किसी चीज़ को। स्टार्टिंग में तो बस यही है 500 मीटर तक उड़ाया होगा कोई चीज़, तो वो क्या था एक ब्रेक थ्रो था। बट जैसे जैसे उन्होंने कोई चीज़ एनहेंस किया उसको, ठीक है, तो वो क्या होगी उनकी अचीवमेंट थी। जैसे उनकी पहली अचीवमेंट थी कि, वैसे तो वो भी अचीवमेंट थी कि 500 मीटर तक उड़े, बट उसके बाद कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या है फीट कहलाती है, कि वो एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उनकी जो फीट है वो कामयाबी है, अचीवमेंट है जो, तो वो क्या किसकी तरह फ्रेम की जाएगी, वो एक जीत की तरह, ठीक है। देखो आगे भी विन, विन तो आगे भी आ चुका है ना, तो इसके कारण दोबारा विन नहीं आएगा। पहले भी देखो इन टर्म्स ऑफ ए विन, जो विन है उसको विन की तरह ही फ्रेम्ड किया जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो विन तो इसलिए भी कैंसिल हो गया। तो ब्रेक थ्रो और फीट, अब ब्रेक थ्रो का मतलब तो पहले ही आ चुका है ना कि वो उसको VSS यूनिटी को बनाया गया, कोई चीज़ ऐसी बनाई है जो टूर करवा सके लोगों का अर्थ स्पेस में, ठीक है, स्पेस फ्लाइट प्राइवेट, तो वो क्या थी एक ब्रेक थ्रो थी, एक इनोवेशन थी। देखो ब्रेक थ्रो और फीट अचीवमेंट में ये भी फ़र्क है, जो ब्रेक थ्रो होता है वो इनोवेशन होता है, कोई
चीज है जो पहले कभी नहीं थी। बट फीट कैसे है, जैसे आप जंप करते हैं 3 फुट तक, हाई जंप आपका है 3 फुट, बट आपने एक अचीवमेंट की है 1 हफ्ते 1 महीने प्रैक्टिस करके कि आप अब 4 फुट है जो जंप लगाने लगे, तो वो क्या है, फीट है, वो अचीवमेंट है, ना कि क्या इनोवेशन। तो उसी तरह है यहाँ पे। तो दूसरे टाइकून्स जो कि क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर वो क्या है, विन है वो। तो और वो दूसरे टाइकून्स क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं एंड डेस अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्राइवेट स्पेस फ्लाइट। तो स्पेस फ्लाइट के ऊपर कैसी अमाउंट, इनऑर्डिनेट इनफ, ऑर्डिनरी या इलीगल। देखो ऑर्डिनरी अमाउंट से तो होने वाला है नहीं, ठीक है, मतलब देखो अमाउंट तो बहुत लगती है ऐसी ऐसी चीज़ों में, बट इलीगल तो देखो सब बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। अब इनफ क्यों नहीं आएगा, कि पर्याप्त है। अब इस ऐसी चीज़ों के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है कि भाई आपको खाना खाना है तो उसके लिए 150 रुपये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, एक दिन के लिए लगा लो, तो वो होती है इनफ। तो यहाँ पे इनफ अमाउंट कुछ भी नहीं हो सकती, कि कितना भी पैसा लग जाए तो उसके लिए, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो क्या ना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे ठीक क्या है, इनऑर्डिनेट। ऑर्डिनरी फिर सामान्य होगा कि थोड़ी बहुत अमाउंट है, ठीक है, सामान्य का मतलब सबके पास है, जो अब ये इतनी अमाउंट सबके पास तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है अनड्यू, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट को वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर इसका, ठीक है। ये था आज का टेस्ट, थैंक यू।